हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो दे विच बच्चे सी क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 6 का नेक्स्ट टॉपिक करन जा रहे हैं, दैट इज मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। सो लास्ट वीडियो दे विच बच्चे सी कनकेव मिरर कर चुके हैं, सो इस वीडियो दे विच असी कन्वेक्स मिरर जो है डिस्कस करांगे। लेट अस कंसीडर होएगा वो तुसी लिखना है कि लेट अस कंसीडर अ प्लेन मिरर प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन च लिख लो द रिलेशन बिटवीन the relation between u v and f is known as a mirror formula. mirror formula actually which tusi kis tarah kena draw karna dhyan rakhna bache diagram achhe tarike na bani hoegi then hi tusi jada ya baki kam kar sakde ha then convex ya jada scooty da sheesha hunda na ki oh cheez da theek hai then principal axis bana lo principal axis thodi bilkul siddhi line honi chahiye bas bilkul center jo jada प्रिंसिपल एक्सिस पास होके जानी चाहिए है। सो सेंटर वाले पॉइंट नु की बोलते हैं पी। पी मतलब पोल। हुन असि की करना, एक ऑब्जेक्ट लवांगे और मिरर दे बिल्कुल सामने रखते हैं। सो बिल्कुल सामने जड़ा है अपना एक ऑब्जेक्ट रख दो और इधर कोई ना कोई नाम होना चाहिए है, ए बी इट्स योर चॉइस, जितना मर्जी रख लो ठीक है। सो इधर नाम असि रख लेता ए बी। अकॉर्डिंग टू रूल एक रे ऑफ लाइट ऑलवेज की जानी चाहिए है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले लगा लो बच्चे इतनी का लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो लाइन बिल्कुल सीधी जानी चाहिए और एरो ड्रॉ कर। सबसे पहले की करना है पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, बिकॉज दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर की होता है डाइवर्जिंग मिरर। सो ये ऊपर बच्चे इतने लिख लो डाइवर्जिंग मिरर। कई बार वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच मिरर इज नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर केनु क्या जाता है कन्वेक्स मिरर ठीक है। सो डाइवर्ज करना मतलब रेज ऑफ लाइट को खिला देता। खिला देता मतलब कि पीछे वाली साइड पे ही वापस चला जाएगा। सो इधर नु रे ऑफ लाइट जड़ी आ ड्रॉ कर दो इस तरीके ना। अपना स्केल रखो ठीक है इस तरीके ना। सो आ वाली पीछे वाली साइड पे रे ऑफ लाइट जड़ी बैठोगी इनु ही वाले इंक्रीज कर। स्केल देखो बिल्कुल नहीं हिलाना, पीछे वाल जितने भी जाती है डॉट लाइन से पीछे वाल इंक्रीज कर दो। सो आ गई थोड़ी टकराने तो बाद ता पीछे वाल इंक्रीज किया तो जिस पॉइंट ते भी टकराएगा सानू पता बच्चे जी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जा रही है वो जो टकराती है तो किस पॉइंट से टकराती है फोकस से। सो दिस इज एफ। सो ये केड़ा पॉइंट है एफ। नेक्स्ट आ जाओ एक रे ऑफ लाइट ऑलवेज किथे जाती है पोल पे। सो अपना स्केल रखो और पोल दे नाल रे ऑफ लाइट मीट कर दो। सो जिन्ना एंगल इधर बनेगा इंसिडेंट एंगल उन्ना ही असि नीचे बनाना है क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ है बच्चे। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। बच्चे आ चीज का ध्यान रखो जो एंगल बनाना था इस हिसाब नाल ना हो कि असि पीछे नु भी इंक्रीज करना तो साडी किथे इमेज बन रही है। सो आ रही थोड़ी रिफ्रैक्टेड रे और इनू ही पीछे वाले इंक्रीज कर दो। क्लियर हो गया ठीक है। सो इधर रे ऑफ लाइट इधर आई टकराई और वापस चलेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जड़ियां थोड़ियां मीट कर रही लाइन से उथे जाके थोड़ी इमेज बन जाएगी। सो बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही इमेज बन रही है दैट इज वाई इसका नाम रख देता ए डैश बी डैश। क्लियर हो गया बच्चे डायग्राम बना देना क्लियर हो रही है। जिथो नहीं क्लियर होएगी उतो पूछ लेना ठीक है। हुण आ जाओ एक्चुअली सानू जदों असी मिरर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो सानू तीन चीजा चाहिए एक यू वी ते आर ठीक है। हले तक बच्चे ऑब्जेक्ट तो लैके पोल तक की जो डिस्टेंस है दैट इज यू ठीक है। पोल तो लैके इमेज तक जिथे थोड़ी बन रही है दैट इज वी। हले तक सानू कितने भी आर नहीं मिलिया। सो की करांगे अगर आप नहीं मिलिया तो आ वाले पॉइंट बी पॉइंट नो आ वाले पॉइंट दे नाल मीट कर दो जिथे भी थोड़ी लाइन जाती है उन्होंने ड्रॉ कर दो। सो बी पॉइंट ते रखो आ वाले बी पॉइंट ते रखो ठीक है। एक्चुअली की है थोड़ा सेंटर। सो इतो बच्चे रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी जिदा ही मिरर ए तो पीछे जाएगी तो डॉटेड लाइन जानी स्टार्ट हो जाएगी। सो स्केल नु बिल्कुल भी बेंड नहीं करना ए ना होवे तुसी आ सी दे चक्करा दे विच अपनी लाइन टेढ़ी लगा लो
सो जिथे भी जाके मीट कर दी होगी थोड़ी सी मीट कर रही हो कि है थोड़ी सी सो पोल तो लेके सेंटर तक दी बच्चे डिस्टेंस नो सी की बोल दिया आर आर इज अ आर किया रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है पोल तो लेके सेंटर तक दी डिस्टेंस सो डायग्राम सब नु क्लियर है बच्चे जदों भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंदा साइन अजम्पशंस ते साइन ते अजम्पशंस जड़े आ आंदे ही आंदे नाल सो ये सेम ही रहणगे जड़े आपा कल कीते सी So same here, all the distances are measured from pole. The aperture of the mirror should be small. ठीक है, all the distances जड़ियाँ अगर बच्चे mirror के बिल्कुल सामने या वो side interventions के लिए लानी है negative, तो उस तो opposite side always की लानी है positive. अगर थोड़ी जड़ियाँ object का principal axis से ऊपर आता देख रहे हैं ऐसे positive. अगर principal axis से नीचे बन जाता, हम तो बड़े हैं नहीं image ऊपर ही या इधर मतलब object एक ही होएगा पॉजिटिव अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होता था नेगेटिव क्लियर हो गया सो अब मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करन लग गया मैथमेटिकल पोर्शन च रूल दसिया सी ए बी सी मतलब एक बारी आपा सी लेना तो एक बारी आपा पी लेना ठीक है जी सो पहला स्टार्ट कर दिया मुझे सी तो सी दे अकॉर्डिंगली थोड़ी जड़ी है ट्राइंगल आ दैट इज ए बी सी की ये ट्राइंगल बन रही है पूरी दी पूरी ठीक है बन रही है इहदा मतलब असीं लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल असी केड़ी लेनी है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी हुन देख लो ए डैश बी डैश सी ये ट्राइंगल बन रही है यस ठीक है सो इनो लिखने का तरीका की सी इमेज ओवर ऑब्जेक्ट सो इमेज की है थोड़ी ए डैश बी डैश सो सब तो पहला असी लिख देता ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की है थोड़ा ए तो लेके बी तक सो ए बी is equals to इना दा ही डिस्टेंस लिखना सो इना दा डिस्टेंस लिखांगे मतलब c तो लेके a डैश डिवाइडेड बाय c तो लेके a सो असी लिख देता c a डैश डिवाइडेड बाय c a बच्चे आ स्टेप सब नु क्लियर ठीक है हुन असी लेन गया p वाली चीज सो p दे नाल ट्रायंगल केडी बन गया a b p एंड ट्रायंगल a डैश b डैश p ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦੇਖੋ A B P ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ A' B' P ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਮੇਜ ਓਵਰ ਆਬਜੈਕਟ ਸੋ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ A' B' ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ AB ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ A' B' ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ AB इज इक्वल्स टू इना दा ही डिस्टेंस लिखना है सो ट्रायंगल बच्चे छोटी वाली ट्रायंगल मतलब डैश वाली ट्रायंगल देखेंगे सो पोल तो डिस्टेंस है सो पी ए डैश क्लियर हो गया सो आ गया पी ए डैश डिवाइडेड बाय हुन बड़ी वाली ट्रायंगल केडी सी ए बी पी सो एदा जेड़ा एरिया है प्रिंसिपल एक्सिस से पी ए हुन मुझे ध्यान रखना कि असि पी ए नु ए बी लिख सकते हैं नहीं लिख सकती why क्योंकि ऐसी all the distances are measured from pole तो pole नो preference देना है ठीक है जी so इसे क्या आएगा p a so this is our equation number 2 now compare equation number 1 and 2 और equation number 1 और 2 नो बच्चे compare कराएंगे if left hand side are equal then right hand side is also equal so सभी को क्या आएगा CA dash divided by CA is equals to PA dash divided by PA. ऐसे तक सब लोग क्लियर हो गया? Next, ऐसे लिखो. All the distances are measured from pole. All the distances are measured from pole. So that, what is CA? बच्चे CA नो ऐसे किस तरीके ना लिख सकते हैं CA dash नो. तुम तैयार ना मुझे डायग्राम चेक करो. ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ A' ਹੁਣ CA' ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਪੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ PC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ PA' ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ CA' ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ PC - PA'
पी सी माइनस पी ए डैश। आ स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है तो सी ए। हम देखो सी तो लेके ए तक बच्चे आ पूरी टर्म आ, सी तो लेके ए तक आ पूरी टर्म आ। सो सानू विच पी चाहिदा, मोल चाहिदा, सो की लिखांगे पी सी प्लस पी ए। सो सी ए नो असी लिख सकते हैं पी सी प्लस पी ए। इथे तक सबनों क्लियर होगी? सो बच्चे असी जस्ट वैल्यूज की पुट करांगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनू पोल च कन्वर्ट कीता है। सो व्हाट इज सी ए डैश? सी ए डैश आ गया बी सी माइनस बी ए डैश डिवाइडेड बाय सी ए की जगह की लिखा बी सी प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी। डन, सिर्फ वैल्यूज ही आवे, दो वैल्यूज असी इतने पुट कर दी सा फाइनली आ टर्म बच गई पी ए। डन, ठीक है जी। हुण लिखो टेक न्यू साइन कन्वेंशंस, टेक न्यू साइन कन्वेंशंस। हुण असी साइन कन्वेंशंस लैणियां, पी तो लेके ए तक दी बच्चे डिस्टेंस किन्नी आ यू, पी तो लेके ए तक दी डिस्टेंस किन्नी आ यू। यू ऑलवेज असी की लैणियां नेगेटिव, जिहड़ी भी मिरर दे सामने वाली चीजां जो भी पईयां होंगीआं सारा कुछ की आ नेगेटिव। सो दिस इज माइनस यू। व्हाट इज पी ए डैश? P तो लेके A डैश बच्चे किया V, क्योंकि मिरर के दूसरे पास से आता टेकन एज पॉजिटिव, सो इधर लिख दो पॉजिटिव। नेक्स्ट इज PC, PC, P तो लेके C तक बच्चे ये भी दूसरे तरफ आता और टेकन एज पॉजिटिव और इन्हें क्या देना लिखने R देना। सो आ गया प्लस दे R। सो सारिया वैल्यूज इस इक्वेशन दे विच पुट करनी स्टार्ट करो। हुण बच्चे PC दी वैल्यू कितनी है? R, पी ए डैश की वैल्यू वी डिवाइडेड बाय पी सी की वैल्यू आर, पी ए की वैल्यू माइनस यू, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, सो इतने आ जाएगा माइनस दे यू। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ पी ए डैश, पी ए डैश कितना थोड़ा प्लस ए वी, सो प्लस वी डिवाइडेड बाय पी ए, पी ए माइनस यू। डन, हुण की करना जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई आ टर्म नु इतना मल्टीप्लाई इनु इदे नाल, जदो बच्चे u नु इदे नाल मल्टीप्लाई करांगे ता माइनस ur, माइनस नु इदे नाल मल्टीप्लाई कीता माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस uv इज इक्वल्स टू v नु r नाल मल्टीप्लाई कीता vr, v नु u नाल मल्टीप्लाई कीता माइनस uv या vu, ठीक है जी। हुण असीं की कीता अगली टर्म नु उठा के इधर ले आओ, सो कितना आ गया uv प्लस uv इज इक्वल टू vr, आ टर्म बच्चे दूसरी तरफ जाएगी ता प्लस ur, आ दोनों नो ऐड कीता ता वी गेट 2uv। मैम वो r प्लस v ना होगा किथे रजे ऊपर? मैम क्योंकि v ते r दोनों पॉजिटिव दिया है, बोल आवा मैं से भी मैम ऊपर ले बच्चे कहना u नेगेटिव दे विच आएगा, u नेगेटिव च आएगा, v और r बच्चे दूसरे पासे आ, v और r दोनों दूसरे पास से आ, ठीक है हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट आ vr प्लस ur, आ साडे को फाइनली एक टर्म बच गई। हुण असी लास्ट विच की करना मल्टीप्लाई डिवाइड करना है uv r दे नाल, सो इनू बच्चे uv r दे नाल डिवाइड कर दो, इनू भी uv r दे नाल डिवाइड कर दो और इनू भी uv r दे नाल डिवाइड कर दो। हुण फर्स्ट स्टेप दे विच देखो uv uv दे नाल कैंसिल, सो वी गेट 2 ओवर r इज इक्वल्स टू vr दे नाल vr कैंसिल 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v। वी नो सानू पता कि r दी वैल्यू कितनी हुंदी आ 2f, सो असी इत्थे की पुट करन लगिया 2f, 2 दे नाल 2 कैंसिल, सो फाइनली बच्चे साडे को आंसर की बच जाएगा 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v। सो दिस इज द मिरर फार्मूला फॉर द कन्वेक्स मिरर। सो बच्चे लास्ट विच लाइन लिख लो, दिस इज द मिरर फार्मूला फॉर द कन्वेक्स मिरर। डन, हुण इथों ही असीं इहदी मैग्नीफिकेशन निकालांगे, पहले इहनूं नोट डाउन कर लो अच्छी तरीके नाल। हुण असीं लिखण लगे हां बच्चे रब कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मैग्नीफिकेशन ऑफ, हेडिंग नूं लिख लो बच्चे अलग तो, मैग्नीफिकेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर।
सो मैग्निफिकेशन कितना लिखेंगे, एम इज इक्वल्स टू, सो कितना लिखने हैं बच्चे, इमेज ओवर ऑब्जेक्ट। सो इमेज की है हमारी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू कितने इक्वल सी कल आप करके आया ओदा ही डिस्टेंस लेना आया कितों तक पोल तक, ठीक है। सो लिखा जी पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए, याद रखना बच्चे जो भी मैग्निफिकेशन निकालते हैं ऑलवेज असि सारी की सारी डिस्टेंसिस पोल तो मैचर कर दिया, ठीक है। अगर पोल तो मैचर करांगे तो डेफिनेटली पोल ही आएगा बीच। सो इतने कंफ्यूज नहीं होना सी लिखना सी के पी लिखना सी, क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, सो थानू एच ना इजी लगता कि आई दे नाल, चलो ए डैश बी डैश बच्चे की है थोड़ी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव भी होगी तो लिखता आई। व्हाट इज ए बी, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और कौन है ये ऑब्जेक्ट, सो सी लिख देता ऑब्जेक्ट ओ, डन। नेक्स्ट इज पी ए डैश, पी ए डैश की वैल्यू बच्चे कितनी है वी, पर काटी है ये पॉजिटिव, सो इथे लिख देता पॉजिटिव का वी डिवाइडेड बाय पी ए, पी तो लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी है यू, बट एक एस नेगेटिव सो आ गया माइनस दे यू, सो असि लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू आई ओवर ओ इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू, सो दिस इज अ मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन बच्चे चाहे कन्वेक्स मिरर दी आ जाए, कनकेव मिरर दी आ जाए, रियल दी आ जाए, वर्चुअल दी आ जाए, सो बेसिकली उदा जेड़ा मिरर फॉर्मूला भी सेम रहेगा और मैग्निफिकेशन भी सेम रहेगी। सो इस पूरे चैप्टर दे लेक्चर दे अकॉर्डिंगली अपने तीन केस हो गए, केड़े केड़े सी मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले दो तरह के होंगे, केड़े केड़े कन्वेक्स मिरर दे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर का सिर्फ एक ही केस होंदा है जिस वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल मतलब झूठी मुठी बनती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट थोड़ा वड्डा है इमेज थोड़ी छोटी है ते सिद्धी बनती है, सिद्धी मतलब इरेक्ट बनती है, ठीक है। कनकेव मिरर दे विच साडे दो केसेस सी, केड़े केड़े केस सी, एक रियल केस और एक वर्चुअल केस, क्लियर हो गया जी। जी हूँ आप स्टार्ट कर लगे हैं न्यूमेरिकल्स, सो बच्चे न्यूमेरिकल्स भी उन्ने ही इंपॉर्टेंट आ जिन्ना कि थोड़े आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आ, सो बच्चे न्यूमेरिकल थोड़ा 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है। सो बच्चे डिस्कस करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, 5.0 सेंटीमीटर लोंग नीडल लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर, सो कनकेव मिरर के बच्चे सामने एक लोंग नीडल जी रखी गई है ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो बच्चे कनकेव मिरर सब तो पहला तो थानू जो भी तुसी फॉर्मूले स्टार्ट करोगे तो याद रखना बच्चे यू चाहे कोई भी होवे, चाहे वह कनकेव मिरर आ चाहे वह कनवैक्स मिरर आ, यू ऑलवेज की होएगा नैगेटिव होएगा। अगर तुसी वी की गल करते हैं, अगर बच्चे रियल इमेज बन रही है जिदा कि थानू पता कि कनकेव दे विच बच्चे दो केसिज होंगे, कनकेव दे विच दो केस आ, एक रियल केस आ और एक वर्चुअल केस आ, जोड़ा कनवैक्स आ बच्चे वो एक ही केस आ, वो कहड़ा केस आ वर्चुअल, वर्चुअल आ तो इमेज मतलब कि झूठी मुठी बनेगी दूसरे पास जाके, सो पॉजिटिव दे वी आ और फोकल लेंथ भी बच्चे ये पॉजिटिव ही होएगा, ठीक है, जो एफ आ उही थोड़ा आर होएगा दैट इज़ पॉजिटिव। सिमिलरली कनकेव मिरर के अंदर बच्चे यू ऑलवेज की होएगा थोड़ा नैगेटिव। हुण वी कितने डिपेंड करता है, वी डिपेंड करता कि वह रियल आ कि वर्चुअल आ, बच्चे रियल हो तो मतलब कि सेम साइड से बन रही है मतलब कि नैगेटिव होएगा, और वर्चुअल मतलब झूठा मूठा तो दूसरे पास बनता तो वी यू जड़ा आ थोड़ा वह पॉजिटिव होएगा। हुण एफ बच्चे दोनों केसिस दे विच ही नैगेटिव होएगा, दोनों केसिस दे विच की आ नैगेटिव, यह मतलब आर भी दोनों केसिस दे विच नैगेटिव होएगा। सब तो पहला न्यूमेरिकल करन तो पहला बच्चे आ वाली जी छोटा जहा टेबल आपने किसी कॉपी के उपर साइड पर बना लेना ताकि थानू ईजी रहे, ठीक है। हुण इत्थे बच्चे उन्होंने क्या आया कि केड़ा मिरर आ कनकेव मिरर, हुण सानू पता कनकेव दे विच एफ ऑलवेज की हुंदा नैगेटिव हुंदा, सो असी इत्थे लिख रहे हैं एफ इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, क्लीयर हो गया जी। माइनस क्लीयर हो गया क्यों लिखा, क्योंकि कनकेव मिरर के अंदर बच्चे एफ जड़ा ऑलवेज नैगेटिव ही हुंदा आ, इन सच अ वे दैट द एंड क्लोजर टू द पोल 40 सेंटीमीटर, सो यू गिवन है बच्चे सानू यू किन्ना गिवन है माइनस 40 सेंटीमीटर, यू ऑलवेज ही नैगेटिव हुंदा आ। फाइंड द लेंथ ऑफ द नीडल ऑफ इमेज ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ नीडल फॉर्म्ड बाय द मिरर, सो मिरर द्वारा जड़ी बच्चे इमेज बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ असी इमेज जड़ी आ वह पता करनी है भी वह किन्ने दी होएगी। पहला जिद्दां मान लो बच्चे डायग्राम दे नाल समझाने की कोशिश करती हाँ,
मान लो आ कनकेव मिरर आ, कनकेव मिरर 12 बचे इस तरीके ना पॉलिश्ड है और ये सामने इस तरीके ना कोई नीडल रखी गई है, ठीक है। नीडल की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इतों लैके पोल तक की बचे डिस्टेंस सानू गिवन आ 40 सेंटीमीटर। वो कहते कि इमेज बनती है ये सानू नहीं पता रियल इमेज बन रही है कि वर्चुअल इमेज बन रही है। उन्होंने कहा जी इमेज बनती है उस इमेज के जी सिर्फ असी लेंथ ऑफ नीडल पता करनी है, सिर्फ मतलब कि आ वाली जी परछावां बनेगा इमेज बनेगी वो असी पता करनी है कि इस तो वड्डी बनती है। 5 तो वड्डी कितनी हो सकती बच्चे, 6-7 हो सकती है, छोटी कितनी हो सकती है 1-2-3-4 कुछ भी हो सकती है। मतलब कि या तो आंसर थोड़ा 3-4-5 कुछ आएगा, 5 नहीं आ सकता, सेम नहीं हो सकती हैगी, ठीक है। सो आप हूँ चेक करना भी साडा आंसर कितना आएगा। सब तो पहला तो बच्चे थोड़ी आप सिंपल इमेज पता कर लें भी इमेज कितनी बनेगी। सो फॉर्मूला बच्चे साडे को की है, 1/f = 1/u + 1/v। बच्चे एफ सानू कितनी गिवन है, एफ सानू गिवन है 20। असी पता की करनी है यू वी पता करनी है, यू सानू पता है कि 40 है और एफ सानू पता है कि -20 है। सो 1/f बच्चे एक पासे रख लो, आ यू जड़ा दूसरे पासे लेके जावांगे तो 1/f - 1/u। बच्चे अगर थानू एलसीएम लेना ईजी लगता तो एलसीएम ले लो, अगर थानू डायरेक्ट करना सॉल्व करना जिदा भी थानू ईजी लगता कैलकुलेशन थोड़े हाथ में आ। सो एफ की वैल्यू कितनी है -20, सो इतने आ गया -20। सो यू बच्चे थोड़ा कितना आ -40, सो इतने लिख दिता -40। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो 1/20 + 1/40, ठीक है जी। सो टेक एलसीएम, जिदा ही बच्चे असं एलसीएम लवेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 40, तो टर्म आंसर आ जाएगा 2+1। सो बच्चे एलसीएम लैके उपर कि आएगा -2+1। हूँ -2 चो बच्चे 1 माइनस किए तो कि आ जाएगा -1/40। सो 1 - 1/40 आ गया, यदा मतलब बच्चे थोड़ा 1/v का आंसर -1/40 आ गया। सो वी का आंसर थोड़ा कि आया -40 सेंटीमीटर। बच्चे माइनस का ध्यान रखना, माइनस का मतलब कि सेम साइड से ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिधरले पासे इमेज बन रही है जिधरले पासे थोड़ा ऑब्जेक्ट पिया सी, इहदा मतलब रियल इमेज बन रही है। क्लीयर हो गया। सो बच्चे आ थोड़ी वी आ गई, हुण एक्चुअली ये साड़ी इमेज आई है कि इन्नी डिस्टेंस से जड़ी इमेज बन रही है, बट असी की पता करनी है लेंथ पता करनी है नीडल दी। सो नीडल पहला कितनी सी 5 सेंटीमीटर दी। बच्चे हुण सेकंड स्टेप असी लिखांगे पोजीशन ऑफ फार एंड ऑफ नीडल। सो बच्चे यू असी कितना लवांगे, यू ऑलवेज नेगेटिव दा विच हुंदा आ, नीडल थोड़ा कितना सीगा 40 सेंटीमीटर दा, सो असी लिख दी थी 40 और नीडल किन्ने दी है बच्चे थोड़ी 5 दी। सो टोटल कितना हो गया -45। क्लीयर हो गया -45 क्यों लिखिया, क्योंकि असी लेंथ भी विच ऐड कर दी और नीडल भी ऐड कर दी। एफ दी वैल्यू बच्चे साडे को ऑलरेडी किन्नी है -20 सेंटीमीटर सानू गिवन है, -20 सेंटीमीटर जरा सानू गिवन है। सो बच्चे आ थोड़ी यू डैश आ गई, एफ डैश अगेन उही रहेगी, सो यदा मतलब वी डैश असी पता करनी है। सो वी डैश बच्चे कितना पता करांगे, 1/v - 1/f - 1/u-, ठीक है। सो बच्चे चाहे डैश ना लिख लो, चाहे F1 F2 इस तरीके ना लिख लो, एज यू विश, जिदा तुसी करना चाहते हैं उस तरीके ना कर सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो प्लस दे 1/45। क्लीयर हो गया इतने माई प्लस कितना आ गया, माइनस दे बाय रूल बच्चे आ सी माइनस आ सी, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, सो प्लस दे 45। सो यदा एलसीएम लवेंगे तो बच्चे साढ़े को आ जाएगा 180। सो उपर टर्म चले जाएगी -9 + 4। सो बच्चे 9 चो 4 माइनस किते साढ़े कितना आ गया 1/v- कितना आ गया -5/60। सो कटिंग करके देखो बच्चे जिहड़ा सॉरी 180। सो कटिंग करके देखो बच्चे आ जाएगा 1/36। यदा मतलब वी डैश का आंसर साढ़ा कितना आ गया -36 सेंटीमीटर। क्लीयर हो गया जी। बच्चे वी का आंसर कितना आया सी साढ़ा 40 सेंटीमीटर और वी डैश का आंसर कितना आया -36 सेंटीमीटर। सो असी पता की करना, लेंथ ऑफ इमेज ऑफ नीडल इतने लिख लो बच्चे, लेंथ ऑफ इमेज ऑफ नीडल, नीडल दी जिहड़ी थोड़ी आ लेंथ आ वह किन्नी होएगी, सो दैट इज़ v-v। सो वी कितना आया, वी डैश कितना आया 36 माइनस, बच्चे वी का आंसर कितना आया सी -40। सो साडा आंसर कितना आएगा
36 प्लस 40 बच्चे 40 चो 36 माइनस कितने तक किन्ना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर इहदा मतलब थोड़ा फाइनल आंसर किन्ना आएगा 4 सेंटीमीटर सो जो ऑब्जेक्ट उहदे बिल्कुल सामने रखा गया सी तां किन्ने दा सीगा 5 सेंटीमीटर दी बच्चे नीडल सी जिहड़ी थोड़ी इमेज बनी आ उह किन्ने दी बनी आ 4 सेंटीमीटर दी मतलब कि छोटी बनी आ क्लीयर हो गया सो बच्चे सैकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं सो राजे नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन देखो सैकेंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वर्गा डिटो सेम आ सो बच्चे खुद प्रैक्टिस करो जिनी प्रैक्टिस करोगे उन्ने ही अच्छे तरीके थोड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे सो बच्चे थोड़ी वी का जो आंसर है दैट इज़ माइनस 50 सेंटीमीटर इस करके दस रही हूँ ताकि अपने आंसर चैक कर सको और वी डैश का बच्चे आंसर आएगा थोड़ा माइनस 42.86 सेंटीमीटर और दैन थोड़ा बच्चे फोकस जो लेंथ आएगी लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल दैट इज 7.14 सेंटीमीटर सो अपनी आंसर चैक कर लेना राजी अज जिहड़ा आ मैं थोड़ी यही वीडियो अपलोड कर रही हूँ सो अज शाम तक जिहड़ा इहदा सल्यूशन मैं कोशिश करांगी कि थानू टैलीग्राम चैनल के उपर प्रोवाइड कर दाँ अदरवाइज तो अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो वैल एंड गुड है ठीक है सो थर्ड क्वेश्चन देखो दिस इज़ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो बच्चे जिहड़ी चीज़ कहंदे आ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आ वो बिल्कुल ना छड्ड के जाओ सो देखो वैन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर जिदा ही कहंदे एक ऑब्जेक्ट नू 60 सेंटीमीटर के उपर रख्या गया मतलब कि यू की वैल्यू बच्चे सानू गिवन है माइनस 60 सेंटीमीटर सानू पता कि यू ऑलवेज नैगेटिव दे विच ही हुंदा आ फ्रॉम अ कन्वैक्स स्फेरिकल मिरर द मैगनीफिकेशन प्रोड्यूस इज़ 1/2 सो बच्चे कन्वैक्स स्फेरिकल मिरर आ कन्वैक्स स्फेरिकल मिरर के अंदर सो बच्चे कन्वैक्स स्फेरिकल मिरर के अंदर जो मैगनीफिकेशन होंगी दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव सो एम थोड़ी कि प्लस से 1/2 सो 1/2 तुसी डायरेक्ट भी लिख लूँगे तो चलेगा मैगनीफिकेशन के कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे सेंटीमीटर मीटर सो मैगनीफिकेशन यूनिटलैस आ सो पिछे कोई भी यूनिट ना लिखना वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गैट मैगनीफिकेशन ऑफ 1/2 कहिंदे असीं ऑब्जेक्ट नूं कित्थे रखिए कि जिहड़ी साडी मैगनीफिकेशन आ वो 1/3 जिहड़ा आ आंसर आ जाए सो बच्चे स्टार्ट कर दिया मतलब कि साढ़े दो पार्ट्स आ एक मैगनीफिकेशन की आ 1/2 आ दूसरी मैगनीफिकेशन की आ 1/3 सो पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया सो बच्चे सानू मैगनीफिकेशन पता है मैगनीफिकेशन के इक्वल होंदी है मिरर फॉर्मूला माइनस वी ओवर यू ठीक है जी सो बच्चे मैगनीफिकेशन सानू गिवन आ 1/2 इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू सो असी इस तरीके लिख दिता हुण यू की वैल्यू बच्चे सानू गिवन आ कि 60 सेंटीमीटर आ जिदा ही असी इतने 60 सेंटीमीटर पुट करांगे साडे को की आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाय माइनस 60 सो बच्चे माइनस के नाल माइनस की हो जाएगा कैंसल आउट सो वी नू इधर ही प्यार रहन दो 60 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा सो कटिंग की तो बच्चे साडा आ गया 30 सेंटीमीटर सो साडी वी आ गई बच्चे 30 सेंटीमीटर सो 30 सेंटीमीटर आ गया तो बच्चे हुण असी मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं सो मिरर फॉर्मूला की है 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F हुण राजे साडे को यू भी पता है सानू वी भी पता सो इतों एफ निकाल लो सो असी की पुट कर रहे हैं 1/F इज इक्वल टू 1/U बच्चे यू की वैल्यू साडी कादे विच आ माइनस दे विच सो माइनस दे 60 प्लस 1/V वी का बच्चे आंसर साढ़े को किन्ना आया 30 ठीक है सो जिदा ही असी एलसीएम लवेंगे तो आ जाएगा 60 माइनस 1 प्लस 2 2 चो 1 गए तो आ गया 1/60 सो बच्चे फोकल थोड़े को किन्नी आ गई फोकस का आंसर साडा पॉजिटिव दे विच आ रहा सो एफ किन्ना आ गया साडा 60 सेंटीमीटर सो बच्चे पहली फोकल लेंथ पता लग गई कि 60 सेंटीमीटर आई आ हुण उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट असी कित्थे रखिए कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गैट अ मैगनीफिकेशन ऑफ 1/3 सो यदा मतलब सैकेंड पार्ट सानू सॉल्व करके दिखना पेगा सो बच्चे हूँ सानू मैगनीफिकेशन किन्नी गिवन आ माइनस वी ओवर यू का आंसर जड़ा आ सानू किन्ना गिवन आ 1/3 क्लीयर हो गया जी सो बच्चे सिर्फ इन्नी की इक्वेशन तो पहला वी निकाल लो इतों वी किन्ना आ जाएगा साडा माइनस यू डिवाइडेड बाय 3 आ गया जी इन्ना हुण बच्चे मिरर फॉर्मूला यूज़ करन लगे हाँ मिरर फॉर्मूला की कहता अकॉर्डिंग टू फिर मिरर फॉर्मूला 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V नाउ वट इज़ यू बच्चे यू की वैल्यू सानू नहीं पता सी पुट कर दी यू क्योंकि यू तो असी पता ही करनी है वी की वैल्यू किन्नी आ माइनस माइनस इतने लिख दो बच्चे यू डिवाइडेड बाय 3 3 उपर चला गया ठीक है जी सो बच्चे एफ की वैल्यू साडी किन्नी आ 60 असी फस्ट पार्ट तो बच्चे आंसर निकालिया 60 सो 1/60 इतने एलसीएम लै लो यू तो आ गया 1-3 सो बच्चे 3 विच्चों 1 गया तो कि आ जाएगा माइनस दे 2 सो माइनस 2 डिवाइडेड बाय यू सो यू नू उधर लै जाओ
और 16 नूं इधर ले आओ। सो यू दी वैल्यू कितनी आ गई 60 मल्टीप्लाई बाय माइनस ए टू। सो 60 नूं बच्चे माइनस टू ना मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा माइनस ए 120 सेंटीमीटर। यदा मतलब यू नूं तुसीं कित्थे रखोगे कि थोड़ी मैगनीफिकेशन 1/3 हो जाएगी, दैट इज़ माइनस 120 सेंटीमीटर ते। क्लीयर हो गया। सो बच्चे ये साडा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सी। सो आई होप थानू आर्टिकल प्लस न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो गए होणगे। सो बच्चे नैक्सट कल दी वीडियो दे विच मिलदे आ नैक्सट टॉपिक दे नाल। सो जांदे होए वीडियो नू लाइक कर जो, शेयर मैक्सिमम कर दो रजे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इदां दे कहंदे आ कि मैम सानू पेपर तो पहला ही 1-2 दिन पहला ही तुहाडा चैनल मिलिया। सो बच्चे रिक्वेस्ट आ सपोर्ट कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो और सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुलना। थैंक यू सो मच।